सतगुरु राम सिंह सच पातशाह नूं समर्पित ये संगीत का प्रोग्राम कर जा रहे हैं जी। जिस तरह तुसीं मेरा ख्याल मेरे तो पहले हुणे उस्ताद जाकिर हुसैन नूं इंटरव्यू किया, और मैं सिर्फ इन्ना ही कहना चाहवांगा कि एक इस तरह के आर्टिस्ट ने जिहो जिहा परमात्मा कदी 30-40-50 साल च एक आर्टिस्ट भेजदा है, उस तरह के आर्टिस्ट ने। और उन्होंने नाल भी जिहड़े ने होर जिन्हां नूं तुसीं सारयां नूं मिले होगे, श्री गिरीधर उड़प्पा ने, पूर्वायन जी ने, और विजय प्रकाश ने, ये सारे ही तौफीक जी ने, उन्होंने भरा जिहड़े ने, और सारे ही ये बहुत चंगे आर्टिस्ट ने। और इस तरह का फ्यूजन प्रोग्राम इस लैवल ते शायद दिल्ली तो नॉर्थ विच शायद ही कभी इस तरह का प्रोग्राम होया होए। और असी ये समर्पित करते हैं, सानू जो संगीत की देन दिती है सतगुरु जगजीत सिंह सच पातशाह ने दिती है। और सतगुरु जगजीत सिंह सच पातशाह सदा ये गल करते सी कि ये एक परंपरा है सिख धर्म की, एक गुरु घर की परंपरा है, और एक परंपरा वो जिस जी साढ़े ते कृपा की, मैं उन्होंने चरणों में शीश झुकाना है, गुरु नानक सच पातशाह ने यह परंपरा कृपा की, उन्हें संगीत नाल सारी दुनिया नू जोड़िया, कित्थे कित्थे सच पातशाह गए, नाल उन्होंने भाई मरदाना ते भाई बाला गए, तो किस तरह उन्होंने संगीत नाल जोड़िया, किस तरह उन्होंने गुरबाणी उचारी। सो असी ये कोशिश करते हैं कि वो परंपरा इत्थे चलती रहे, और उन्होंने चरणों में अरदास करके करते हैं कि संगीत का यह दान दिओ, ताकि ये संगीत वध तो वध बच्चे सीख सकन, शास्त्रीय संगीत ज्यौंदा रह सके, पंजाबियों में इस तरह ही संगीत वधदा रहे। सो इस करके असी ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो यह अरदास करते हैं कि परमात्मा सतगुरु ये कृपा करन के प्रोग्राम ये वधिया होवे।